हेलो डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान विद्या समल योजना में यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट का पद भी है और काफ़ी सारे पद रिक्त हैं पूरे राजस्थान प्रदेश में, सभी जिलों के अंदर पद रिक्त हैं, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ में प्रयोगशाला सहायक के नाम पर धोखा हो रहा है, यानी फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं। किसी भी स्कूल के अंदर प्रयोगशाला सहायक के फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं। मैंने खुद ने ऑफलाइन जाकर चेक किया है, कैंडिडेट के फॉर्म यहाँ पर नहीं लिए जा रहे हैं। तो लगातार आपके कॉमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। मैंने खुद ने भी चेक किया है कि आपके जो फॉर्म है वो नहीं लिए जा रहे हैं स्कूल के अंदर। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपने पद रिक्त दिए हैं, आपकी स्कूल में पद रिक्त हैं, तो आपको फॉर्म लेना चाहिए। कैंडिडेट यहां पर भ्रमित हो रहे हैं कि पोस्ट भी खाली है, सरकार ने बताया भी है कि 21,000 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह, आपको इतनी राशि मिलेगी, ये पद पर भर्ती होगी। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप विद्यार्थियों के साथ में क्यों धोखा कर रहे हैं? आप एक बार बता दो, आपने ना तो यह क्लियर किया है कि किस आधार पर लैब असिस्टेंट की भर्ती होगी, नहीं आपने जो यहां पर फॉर्म लिए जा रहे हैं। और ऐसा बहुत जगह हो रहा है, विद्यार्थियों को ऐसा बोला जा रहा है कि यहां पर पद ही नहीं है, जबकि स्कूल के बारे में लिस्ट लगाई जा रही है। तो ये सरासर गलत है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं जो लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनके फॉर्म संबंधित स्कूल में नहीं लिए जा रहे हैं, तो आप जो है यहां पर शिकायत भी कर सकते हैं, क्योंकि नोटिस में दिया गया था, नोटिफिकेशन में बात है कि आप जो है अपने जिला शिक्षा अधिकारी से बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहां पर आपको जानकारी मिल जाए। तो आप लोग सभी यहां पर कमेंट करके बताएं कि लैब असिस्टेंट पद के लिए आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है क्या? आपका भी फॉर्म यहां पर आपके संबंधित स्कूल में लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा? नहीं लिया जा रहा तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।